तो भैया आज के इस वीडियो में बात करेंगे जेंटियल आई ड्रॉप के बारे में और इसका डिटेल रिव्यू निकालेंगे किस टाइप की आई ड्रॉप है कौन इसका यूज करता है क्या डोज होती है कितने दिन तक डालनी चाहिए वीडियो पूरा देखिएगा देखिए जेंटियल एक ब्रांड आता है एक आंखों में डालने की आई ड्रॉप आती है तो देख देखिए दोस्तों आंखों में ही डालना है और कहीं नहीं डालना है कुछ आई ड्रॉप ऐसी आती है जो आंख और ईयर दोनों की होती है लेकिन ये सिर्फ आई ड्रॉप है आंखों में डालने की आती है ईयर ड्रॉप ये नहीं है तो आंख के अलावा और कोई इसका यूज ना करे कि एलकोन कंपनी इसको बनाती है दो सौ की मिलती है इसके अंदर क्या आता है दोस्तों इसके अंदर आता है हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथाइल प्रोपिलोस क्या है? आता है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोस इसके अंदर आता है जीरो पॉइंट तीन प्रतिशत वेट वाई वॉल्यूम वेट वाई वॉल्यूम इसके अंदर आता है अब भाई ये क्या होता है देखिए ये एक्चुअली होता क्या है कि ये एक आर्टिफिशियल टीयर होता है हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथाइल सेल्युस आर्टिफिशियल टीयर होता है और ये आंखों में डालने के लिए इसलिए आता है क्योंकि ये आंखों को ड्राई होने से बचाता है कई बार क्या होता है जो अपना जो ग्लैंड होता है ना आंखों के दोस्तों ऊपर यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं टीयर ग्लैंड यानी वो आंसू को बनाता है जो आंखों में जो पानी होता है जो नमी होता है ना वो बनाता है कई बार क्या कि कोई भी प्रॉब्लम के कारण अगर वो कमी आ रही है आंखें सूख रही है अगर वो आंखों को नमी नहीं प्रदान कर पा रहा है तो फिर डॉक्टर आंखों को चेक करके ये देते हैं आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ जाती है आंख ड्राई रहने लगती है बड़ी बड़ी दिखने लगती है और सूख जाती है अच्छा होता क्या है कि देखिए जब आंखों में करते आंसू नहीं होगा यानी आंखों में अगर नमी कम होगी तो इन्फेक्शन होने के चांस भी जल्दी से हो जाते हैं आंखों में जल्दी से इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं आंखें रेडनेस रहती है आंखों में लालिमा रहती है और आंखों में बड़ी इचिंग चलती है कुछ भी अगर मिट्टी वगैरह चली जाएगी ना अगर आंखों में कुछ गिर भी जाएगा तो आंखें आंखों के अंदर जल, जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा तो आंखों को इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए आंखों का जो गलेंड होता है वो तीर बनाता है आंसू बनाता है अगर वो नहीं बन रहा है तो फिर डॉक्टर इसको आइड्रोव के माध्यम से बाहर डालने के लिए देंगे यानी बाहर से डालना पड़ेगा आपको कुछ दिनों के लिए कुछ महीनों के लिए तो आंखों को ड्राइनेस होने से बचाता है कृत्रिम आंसू होता है आंखों को सूखने से बचाता है अब भाई कितनी बार डालें और कितने दिन तक डालना है तो आपको दो एक दो हफ्ते से ले कर एक मंथ तक डाला जा सकता है ठीक है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो आंखों का काम है सेल्फ यूज़ नहीं करना है तो एक वीक से ले कर एक मंथ तक इसका यूज किया जा सकता है साथ में कोई दूसरी आई ड्रॉप भी दी जा सकती है अगर इन्फेक्शन हो गया हो तो ठीक है दोनों आई ड्रॉप के जो बीच गैप होता है वो पाँच से दस मिनट का रखिएगा अगर दूसरी आई ड्रॉप भी डालनी है तो अगर ये आइड्रोप डाली आपने तो दस मिनट बाद का, तो का प्रॉब्लम है तो एक आंख में डालनी है दोनों आंखों में प्रॉब्लम है तो दोनों आंखों में डालनी है ज्यादातर दोनों आंखों में ही प्रॉब्लम एक साथ ही होती है तो दोनों आंखों में डालने की आती है बाद क्या साइड इफेक्ट रखें सावधानी क्या बरतें तो देखिए साइड इफ़ेक्ट इसके यही होते हैं जब डालते हैं जब हो सकता है कि धुंधला दिखाई नहीं लगे या एलर्जी हो जाए इरिटेशन हो जाए बर्निंग सेंसेशन हो सकता है लेकिन हर किसी को नहीं होती लेकिन अगर हो तो इसका यूज नहीं करना है इसका मतलब आपकी ये सूट नहीं कर रही है दोस्तों सावधानी की बात करूँ तो एक तो आपको सेल्फ यूज़ नहीं करना है दूसरा ये बच्चों में भी यूज की जाती है और बड़े लोगों में भी यूज की जाती है तो वो वहाँ पर डॉक्टर ही चेक करके देते हैं अगर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप डाल डाले तो नुकसान कर सकती है तीसरा दोस्तों इसकी शिल्प ओपन होने के बाद ना ये एक मंथ ही इसका यूज किया जाता है बाहर बाहर चाहे कितनी भी एक्सपायरी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है शिल्प पैक होने के बाद एक मंथ ही इसका यूज होता है बाद में ये अंदर से खराब हो जाती है फेंक देना चाहिए अगर वापस आपको यूज करनी तो नहीं आपको खोलनी पड़ेगी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा तो भैया संपूर्ण रिव्यू था जेंटियल आइड्रोप के बारे में यहाँ लिए बहुत बहुत धन्यवाद